आज हम लोग मांग एवं मांग के नियम का जो अंतिम टॉपिक है, सारे अन्य बातों को हमने जान लिया था, लेकिन इस बात का जो मूल बात था मांग के नियम, इसी बात को हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं किया। तो दो नंबर का या कई बार पांच नंबर का एक प्रश्न पूछता है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग के नियम क्या है या मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। आपको बता दें, मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच गुणात्मक संबंध को बताने वाला एक शब्द है। मतलब मांग का नियम क्या है, तो कहता है कीमत और मात्रा के बीच गुणात्मक संबंध। वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच, मात्रा मतलब कितना मांग करते हैं, उसके बीच गुणात्मक संबंध को बताने वाला एक नियम को हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। या यूं कहें कि वस्तु की कीमत हुआ मूल्य में विपरीत संबंध को दिखाने वाला जो नियम है, उसी नियम को क्या कहते हैं, तो मांग का नियम है क्या। तो दो दिन पहले हमने परिभाषा दिया था, यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो, हमने क्या कहा, यदि अन्य बातें समान रहे तो, हमने बताया था इन्हें कहा था कि अगर प्राइस ऊपर है डिमांड नीचे होगा, डिमांड ऊपर है इसका तो प्राइस नीचे है। कहने का मतलब कीमत कम है मांग ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा है तो मांग क्या होगा। इसी नियम को क्या कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा जो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि सर यहाँ बार बार परसुए से रखते आ रहे हैं, अब दिमाग में कुछ घुसा है ये नहीं, अन्य बातें समान रहे का मतलब क्या है। बातें समान रहे तो, मांग के नियम का शर्त है, पहला शर्त क्या है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो। तो यहां मन में प्रश्न होगा कि सर अन्य बातें समान रहे तो इसका मतलब क्या है। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब है मांग का नियम तब लागू होगा जब पहला शर्त है कि उपभोक्ता की आय न बदले, उपभोक्ता की आय न बढ़े। गलती किसे, यदि आपकी आय बढ़ जाती है तो आप वस्तु का डिमांड ज्यादा करने लगते हो, गलत किसे, तो वहां मांग का नियम फेल हो जाएगा। अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आपका मांग, आपका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, और आप उन वस्तु को भी खरीदने लगते हैं जिसको आप पहले नहीं खरीदते। तो अन्य बातें समान रहने का पहला शर्त क्या है, उपभोक्ता की आय नहीं बदले। दूसरा कहता है कि मांग का नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन न बदले। मांग के नियम को लागू होने का अन्य बातें समान रहे दो पहला शर्त है। तो पहला शर्त हमने कह दिया कि आय ना बदले, दूसरा उपभोक्ता
क्योंकि किसी वस्तु का डिमांड उपभोक्ता ही करता है, उत्पादक कभी नहीं करता है। क्या तो कहता है कि आपका रुचि नहीं बदलना था, रुचि बदल गया तो कितनों कीमत महंगा होगा उसको खरीदने कीजिएगा। क्या आपके स्वभाव का चीज ना हो, जैसे स्वभाव का चीज में आ गया गुटखा खाने वाले के लिए गुटखा, शराब पीने वाले के लिए शराब, गलत कि सही? तो स्वभाव वाला चीज ना हो ना तो वहाँ पर नियम फेल हो जाता है। तो आपका स्वभाव का है, आदत पड़ गया है, जैसे नमक का हमको आदत पड़ गया है, शायद बहुत गंदी आदत ना ही भाई, कि बिना नमक का भोजन का टेस्ट नहीं बनता है। अब नमक अभी 20 रुपये किलो दे रहा है, अगर वह 100 रुपये किलो भी हो जाएगा तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? नहीं। तो ये क्या है, ये हम सब के, मेरा ही नहीं, हम सबके स्वभाव की बात हो गई, गलत है सही? तो किसी भी कीमत पर हम लोग नमक खरीदने को तैयार हो जाएंगे, यदि दाम उसका बढ़ हो जाए तब भी, गलत कि सही? सरकार जानबूझ के पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है कि एकरा बिना तो लोग काम चले वाला है। एक दिन विरोध करेगा, दो दिन विरोध करेगा, तीसरा का दिन तो भाई बिना गाड़ी के काम चलने वाला है क्या? नहीं। दूसरा का दिन झूठो के दिन विरोध करो कि साइकिल पर चला कि हम विरोध करते हैं, तीसरा का दिन बाप रे बड़ी दिक्कत है साइकिल पर चलना, बड़ी दूरी पड़ता है, पसीना निकल जाता है, जाने दो, सरकार भी तो महंगा खरीद के लाती है तब तो महंगा बेच रही है, तुम अपने हार जाएगा। तो सरकार के पास भी साइकिल जानता है कि सब आजकल सुकुमार हो गया है, बिना गाड़ी का है कि वो काम चले वाला, लूट लो, लूट लो, दे रहा है तो हमको लेने में क्या दिक्कत है? संबंधित वस्तु की कीमत ना बदलो, संबंधित वस्तु की कीमत ना बदलो। नियम कहता है कि मांग का नियम तब लागू होगा जब संबंधित वस्तु की कीमत क्या हो, प्रश्न होगा आपका कि सर संबंधित वस्तु का मतलब क्या होता है? तो संबंधित वस्तु का मतलब हो गया चाय का क्या हो गया, कॉफी, चीनी का क्या हो गया, मीठा या गुड़। तो संबंधित वस्तु का दाम बदल जाएगा तो उपभोक्ता का रुचि बदल जाएगा, डाल लीजिएगा। तो मांग का नियम लागू होने में ये भी जरूरी है। तीसरा, उपभोक्ता को अस्थाना वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता को स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो मालूम है उस चीज को छोड़कर दूसरा चीज का प्रयोग करने लगेगा, गलत कि सही? जैसे अगर पता चल जाए कि पेट्रोल के अलावा एक ऐसा तरल पदार्थ है जिससे हमारी गाड़ी चल सकती है, देखिए गांव में आधा जनरेटर पर लोग मटिया तेल चलाता, जब तक नहीं नॉलेज था तब तक कहा देखो पंपे ना खराब होता है, साल भर चलाएंगे 6 महीना पे पंप बदल देंगे, कम से कम बचत तो हो रहा है। तो स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होगा तुरंत मूल वस्तु को छोड़कर स्थानापन्न वस्तु खरीद लेगा। जैसे शादी विवाह के अवसर पर देख लो, पहले पहले गर्मी में शादी विवाह होता है, हम लोगों का एक परंपरा है कि बाराती आता है तो एक गिलास में शरबत और पीछे से ठंडा पानी, अपने कोल्ड ड्रिंक्स आ गया है। लेकिन आज भी गांव में जाओगे तो पहले आते आते ठंडा नहीं, पहले शरबत पिलाया जाता है कि मेहमान आए हैं, कुटुंब आए हैं, इसको मीठा मुंह कराओ पहले, तो रसना डाल के, रुआ अफजा डाल के, क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, हमने कहा जिसका लेवल ज्यादा है वो ठंडा पिलाता पहले, बोल दिया हूँ, जिसका और लेवल ठीक ठाक है बरसात के बाद पिलाता है अपने हिसाब से। लेकिन आज भी मैं कई बार गया हूँ, शरबत पिलाता है। तो हम तब तक चीनी वाला शरबत पिलाए जब तक हमको नहीं इसका ज्ञान नहीं था, चीनी का एक विकल्प आ गया है सुक्रोज या कुछ ऐसा ना केमिकल आता है, आइसक्रीम में पड़ता है, मतलब 70 रुपया उसका दाम है, इतना छोटा सा डिब्बा है, सुक्रोज या कुछ उसका नाम आता है साइक्रीन, हाँ इतना छोटा सा डिब्बा है, 70 या 100 रुपये उसका दाम है, पूरे 200 लीटर पानी को मीठा कर देता है, इतना ज्यादा मीठा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपने घर में प्रयोग नहीं कर सकते हो, मेला में जो बेचते रहता पिया के तो वही रहता है,
तो मेरा ये कहना है कि स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, हो गया तब बारात में खूब पियाने लगे तो पूछ गए, पहले तो देखा कि मीठा लगा खूब पी रहे, लेकिन जब से जान गई चीनी वाला ना होई धोखा दे रहा है तो छोड़ दिए हम, लेकिन विकल्प है निकल गया है, सब्जी का विकल्प है, नॉलेज होगा तो नियम लागू नहीं होगा। और अन्य बातें समान मतलब भविष्य में कीमत न बढ़ने वाला तभी मांग का नियम लागू होगा, अगर ये पता चल गया कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाला है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक है कि मांग की जो वक्र ऋणात्मक होती है, क्यों तो कल हमने पढ़ा था, अब है मांग के नियम की अपवाद, अब क्या है मांग के मतलब कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मांग का कीमत लागू, मांग का नियम लागू। अब कहोगे सर मांग का नियम कहां लागू नहीं होगा, तो पहला शर्त कहता है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। बात समझे कि नहीं? नियम है कि यदि भविष्य में कीमत बढ़ने वाला हो, मांग का नियम क्या समझाया हम, कि यदि कीमत ज्यादा होगा तो मांग क्या होगी, आ कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी। लेकिन एक अपवाद पहला है कि भविष्य में यदि वस्तु का कीमत क्या हो, बढ़ने वाला हो, तो मांग कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। भविष्य में अगर आपको पता चल जाए कि वस्तु का दाम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दाम मांग घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ जाता है, सोचता है कि आज ना खरीदेंगे तो आगे आगे कहीं से बेशी दाम हमको देना पड़ेगा। गलत या सही? सही। दूसरा अपवाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। दूसरा क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। जैसे कुछ ऐसी वस्तु हैं जिससे हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। गलत की सही? सही है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु का दाम कम रहता तो लोग बहुत कम खरीदते थे ना, आज जैसे जैसे दाम बढ़ता है उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं। गलत की सही? सही। जैसे सोना, डायमंड, प्लेटिनम। गलत है सही? सोना 10,000 रुपये था तो डिमांड कम थी, जैसा हो गया 50,000 के आसपास पहुंच गया है। सोना प्रतिष्ठा का सूचक है, कितना दाम बढ़ेगा जाओगे तो कुछ लोग 4-5 उंगली में सोना अलग अलग धातु लगा कर पत्थर लगा करके बहुत मोटा सीकर हाथ में घटिया लगे चाहे जो लगे, लेकिन एगो बप्पी लहरी शायद है कोई, लेकिन उसका पूरा सोना से 3.5 किलो पहनता है। एक कोई है गोल्डन बाबा दिल्ली से हरियाणा, वो 11 किलो का सोना अपने बॉडी पर हमेशा रखता है, 11 किलो। प्रतिष्ठा की वस्तु है, चार दो चैन मोटा पहनता हो तो क्या कहते हैं, धनिक आदमी होगा कोई। अगर सोना का मोटा सा बल्ला पहन लिया, चांदी तो सब पहन लेता है, मोटा पहन लिया तो अरे पैसा वाला। हम उसके अपवाद को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ जो रहा हूँ प्रतिष्ठा सूचक, हीरा सोना चांदी ये सब प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जाओगे मार्केट में खरीदने कहोगे डायमंड, लगेगा शीशा की तरह ही है। अब कहावत है भैंस के आगे दीन बजाई, भैंस बैठी पघुराई। गलत की सही? भाई हीरा की पहचान तो जौहरी जानता है, कोई आदमी हीरा का नेकलेस पहना हुआ है जो हीरा को पहचानने वाला होगा सही न जानेगा, और कोई आदमी जो हीरा को पहचानता ही नहीं है तो यस होता ही नगुक वाला कोनो रेडीमेड होगा आर्टिफिशियल होगा। तो ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है, कितना दाम बढ़ेगा
तो क्या लोग खरीदना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है सम्मान से जुड़ा हुआ है। शादी ब्याह तो पहला कितना थान गहना दिया, कई ग्राम सोना दिया, कहाँ पूछता है कि तोरा कितना दहेज दे लू, लेकिन ये पूछता है सोना के क्या क्या मिला है। मैंने पैसा से ज्यादा कीमत वैल्यू है हमारे समाज में सोना का, अलग बात है। लेकिन उपभोक्ता किया ज्ञान था, उपभोक्ता की अज्ञानता भी मांग के नियम का क्या है अपवाद है। कहोगे सर उपभोक्ता की अज्ञानता कैसे मांग के नियम का अपवाद है? इसलिए कि कई बार आपको बाजार का कीमत पता नहीं है और कम दाम के सामान को अधिक दाम देके चलाते हैं। कई बार आपको बाजार के कीमत का नॉलेज नहीं होता है और कम दाम के वस्तु को अधिक दाम देकर, जैसे कि अंदर जाएंगे तो गोभी महंगा होगा तो सूर्य वाला से खरीद लो, तो कई बार ठगाने का डर रहता है, अंदर 50 रुपया सूर्य वाला में 60 रुपया, 10 रुपया तो कटा गए। इसलिए कोई सामान खरीदने से पहले थोड़ा सा मार्केट का हवा लगा लेना चाहिए, अलग अलग दुकानदार के पास जाकर, ताकि आप ठगाएंगे नहीं। तो सीधा कहता हूँ उपभोक्ता की अज्ञानता भी मांग के नियम का क्या है। तीसरा है गिफिन का विरोधा, चौथा है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास नियम भी मांग के नियम का क्या है अपवाद है। गिफिन जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे और एंजिल के तरह इन्होंने भी कहा था कि वस्तु दो प्रकार के होते हैं। मतलब गिफिन ने वस्तु को कितने भागों में बांटा? गिफिन वस्तु एक है श्रेष्ठ वस्तु और दूसरा कौन है? घटिया वस्तु। गिफिन का विरोधाभास, गिफिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? इन्होंने वस्तु को कितने वर्गों में बांटा? पहला कौन है? श्रेष्ठ वस्तु। दूसरा कौन है? तो हमने कल कहा था कि श्रेष्ठ वस्तु को उस वस्तु को कहते हैं, श्रेष्ठ वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु की मांग इसलिए करते हैं ताकि हमारी इनकम ज्यादा है। क्या इनकम ज्यादा है तब उस वस्तु का डिमांड करते हैं, वो क्या श्रेष्ठ वस्तु? क्या अगर आपका इनकम कम है तब कम गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीदते हैं, तो कम गुणवत्ता वाली वस्तु को घटिया वस्तु कहते हैं और अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु को। लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया किससे? पैसा से। श्रेष्ठ वस्तु वह वस्तु है जिसका उपयोग हम तब करते जब हमारी इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, और घटिया वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका हम प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आय क्या है? कम है। लेकिन वो नियम एक है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है हम घटिया वस्तु का प्रयोग करना कम करने लगते हैं और श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु पर अपना दिमाग लगाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। गलत कि सही? इस बात की व्याख्या ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री गिफिन ने किया था, इसी को कहते गिफिन का विरोधाभास नियम। अब है एक प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है। सामान्य वस्तु व गिफिन वस्तु में अंतर, एक प्रश्न आता है कि सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है। याद रखिएगा कि सामान्य वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है। पहला अंतर है कि सामान्य वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है। गिफिन वस्तु पर नहीं।
सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु का पहला अंतर क्या है? कि सामान्य वस्तु पर मांग का नियम क्या होता है? गिफिन वस्तु पर नहीं होता है। अब कहोगे सर सामान्य वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं पहले बता दिया हूँ कि सामान्य वस्तु का दाम बढ़ेगा, लोग मांग कम कर देंगे। मांग क्या कर देगा? दाम बढ़ गया और दाम घटेगा तो मांग क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे। जैसे जितने भी छात्र हैं जो डेरा लेके रहते हैं, दूध लेके पीता है कोई? कभी कभी धोखा से। देखिए बार बार एक बात बोलता हूँ, विद्यार्थी को तुम कभी घर से बाहर नहीं रहे हो इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। जब स्टूडेंट लाइफ में अपने बनाना पड़ेगा तब पता चलेगा काहे नहीं, बहुत सस्ता है, क्योंकि आपने गरीबी देखा नहीं है। नहीं 40 रुपया कम नहीं होता है, और 2 किलो 20 रुपया होता है, जो बात हमें मतलब नहीं है। लेकिन वही दूध का कीमत यदि 20 रुपये हो जाए स्टूडेंट होगा नहीं, हम उसको स्टूडेंट कहाँ मानते हैं? आवारा, उसको आवारा गुंडा कहता हूँ मैं। बाप के कैश पर बीसीए करता है, बाप के कैश पर उसको स्टूडेंट कहते हैं। छात्र की पहचान पढ़ाई से होती है, छात्र की पहचान नॉलेज से होती है, पुस्तक से होती है। अब पल में से निकलेगा सिगरेट, कौन कहता विद्यार्थी है जी? हम सामान्य वस्तु की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। हम लो मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर वह शहर में आता है आलू खरीद लाता है, सोयाबीन घ्यूरा के सस्ता होने पर भी नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि घ्यूरा के सब्जी को बनाने में गैस ज्यादा खपत होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, ऊपर ऊपर चल जाएगा, हस्तों के ऊपर ऊपर चल जाएगा। क्या जी गलत बोल रहा हूँ? स्टूडेंट है, सोचता है कि घ्यूरा के सब्जी पकाएंगे गलाएंगे देर लगेगा, गैस ज्यादा जलेगा, और यहाँ तो बड़ी आसानी से आलू सोयाबीन का बन जाता है। क्या लालिंदर, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स की तरह सोचना पड़ेगा, तब इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम तो बोल दिए तरीको मेरे नीच हो तब वाली इकोनॉमिक साइकोलॉजी ना कम। तो मांग का नियम लागू होगा कोना पर? जो सामान्य वस्तु और श्रेष्ठ वस्तु वहीं पर दाम बढ़ेगा तो हम ना खरीदेंगे क्या? आ दाम घटेगा तो खरीदेंगे। जैसे 45 रुपये किलो दूध है, 50 रुपये किलो दूध है, आधा किलो लेने में 25 रुपया, लेकिन दूधवे का दाम 20 रुपये हो जाए, विद्यार्थी कहेगा अरे रात में सब्जी खरीदने की क्या जरूरत है, चलो आधा किलो दूध लाएंगे, रोटी पकाएंगे, उसी में गुड़ के खा लेंगे, सब्जी की जरूरत नहीं है, दूध रोटी खाएंगे रात को। गलत की सही, सब्जी बचेगा और सभी प्रकार के पोषण भी दूध से मिल जाएंगे। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, कहोगे क्या है? तो वो तो ऑलरेडी घटिया है। क्या है? वो तो ऑलरेडी निम्न कोटि का वस्तु है, तो दाम गिरेगा तो दाम अगर बढ़िए गया और तू छोड़ देगा तो खाएगा कब? भूखले रहेगा। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। सामान्य वस्तु की मांग की मांग की ढाल ऊपर से नीचे बाएं से दाएं होती है, और गिफिन का क्या होगा? नीचे से क्या होगा? दाएं से बलचित्र ऋषि का हम बनाया था, क्या बोले अपवाद होगा? वो बोले थे ना कि सामान्य वस्तु का जो मांग का ढाल होगा ऊपर से नीचे, हम यहाँ दर्शाए थे, बता दिए था आपको, यहाँ ऊपर से क्या होगा? नीचे होगा, अब बाएं से क्या होगा? लेकिन गिफिन वस्तु होगा उसकी मांग के ढाल कितना होगा? ऐसे होगा, इसमें हमने बताया था, इसमें चित्र कैसे बनेगा, ऐसे बनाया। गलती की सही, सही है सर। हम समाज श्रेष्ठ वस्तु के लिए हम बताए थे इसमें ऐसे नहीं बनेगा, उसमें क्या बनेगा, उसमें हमने चर्चा किया था, उसका बनेगा यार आ रहा है ऐसे कटा। इस सामान्य वस्तु के लिए होगा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं।
और गिफिन वस्तु भी हमने चर्चा कर लिया, क्या होगा ऐसे बनेगा, ऐसे मिलेगा। यहाँ सीधा इस इसका ये दोनों चित्र से आप दर्शा सकते हैं, ये सामान्य वस्तु का रेखा चित्र है और ये गिफिन वस्तु का रेखा चित्र है। किसको नहीं बुझाया? एक है सामान्य वस्तु पर आय का धनात्मक प्रभाव पड़ता है, आय का सब समझाऊंगा, जबकि गिफिन वस्तु पर क्या होगा? सामान्य वस्तु पर आय का क्या प्रभाव पड़ता है? धनात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु का मांग बढ़ेगा। गलत कि सही? आमदनी कम है, प्लास्टिक वाला चप्पल पहने बचपन में, बीए सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट तक प्लास्टिक वाला जबर पहने, हाँ फोम वाला 50 रुपया, फौजी कौन कौन था, जिंदल ऐसा पहने, जान रहा है, सब बच्चा खरीदता है। आमदनी बढ़ी, देखे कि अपने कमाने लगे तो 4,000-3,000 के जूते हो जाता है। गलत कि सही? तो प्रश्न क्या हुआ, सामान्य वस्तु पर आय का प्रभाव क्या होता है? आमदनी बढ़ेगा तो नीमन चीज का डिमांड करोगे। गलत कि सही? सोना तब दुकान पर नजर पड़ता है जब पॉल में पेगा। गलत कि सही? और गिफिन वस्तु पर क्या होगा? क्योंकि जैसे आपकी आमदनी घटेगा तो उसका खरीदना ही आप क्या कर दो, छोड़ दो। ये मांग के नियम का क्या है? अपवाद। मांग के नियम का क्या है? अब लास्ट दो प्रश्न मेरे सामने बच जाता है कि मांग में कमी और मांग में वृद्धि के कारण। एक टॉपिक आता है मेरे सामने, लास्ट दो प्रश्न मेरे सामने बच जाता है, सीधे लिख दे रहा हूं, मांग में वृद्धि के कारण। लिखना नहीं, मैं टॉपिक लिख देना। कोई आपसे पूछे कि मांग वृद्धि के क्या कारण है, आपका मांग क्यों बढ़ता है, तो पहला कारण जान लो, तुम्हारी आय बढ़ती है इससे तुम्हारा मांग बढ़ता है। मांग वृद्धि का पहला कारण क्या है? आय वृद्धि। आपकी आय नहीं बढ़ेगी तुम्हारा मांग बढ़वे नहीं करेगा। गलत की सही? दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु, मांग वृद्धि का दूसरा कारण है प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत बढ़ जाना। जब तक दोनों वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत बराबर होगा आपकी मांग क्या होगी? लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु का मांग बढ़ जाए, जैसे चीनी खाते 100 रुपये चीनी हो जाए, तुरंत चीनी का उपयोग कम कर देंगे। जहाँ जहाँ मीठा से काम चलने वाला वहाँ वहाँ मीठा से काम चलाएंगे। क्या रात में एक गिलास दूध पीते हैं तो भाई चीनी डाल के ना पियेंगे, मीठा मिला के पिलाएंगे, वो तो एंटीबायोटिक का काम करता है। आप नहीं जानते हो तो जान लो, गाँव वाला लोगों की तरह जीना सीखो, ग्रामीण सभ्यता की तरह। रात में दूध में मीठा मिला के पियो, तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। नियमित रात्रि में हाँ आप 25 ग्राम मीठा के एक भेली खाओ, तुम्हारे बॉडी में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। मीठा गुड़ थकान तुम्हारा दूर होता है। मीठा सर, मीठा बोलिए ना, बहुत तो नहीं। अरे गुड़ मीठा, मीठा हाँ, जो गन्ना के रस को पेर कर बनाया जाता है वो मीठा, मिठाई नहीं, रसगुल्ला नहीं। मीठा हर दिन रात्रि में खाओ, तुम्हारा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा तुम्हारा, और थकान भी आपकी क्या होगी? कोई चीनी का दाम 100 रुपये हो जाएगा तो जहाँ जहाँ चीनी के बिना काम न चलेगा वही प्रयोग करेगी ना, जहाँ मीठा से काम चल सकता है चलाएंगे। गलत है सही? खाली खा लेंगे, खाना सोने जाने से पहले, भोजन करने के उपरांत सोने जाने से पहले, चलेंगे सुबह में, रात्रि में। यूं ही नियम भी कहता है कि भोजन के उपरांत, भोजन के बाद मिष्ठान खाना चाहिए। तो भाई हम लोग की वो तो छमौकात नहीं है अभी कि हर दिन दो रसगुल्ला खाए, लेकिन 1 किलो मीठा में 15 दिन तो चलेगा। 40 किलो का मीठा 40 रुपया के 1 किलो मीठा खरीद लिया जाए तो कम से कम 20 दिन या 15 दिन खाया जा सकता है। तो मीठा का मीठा भी हो गया, अब भोजन के बाद
हाँ मिष्ठान वाला भी चख लेंगे, मांग वृद्धि के कारण पूरक वस्तुओं के दाम का कम हो जाना, खरीदने वाले की संख्या का क्या होना, वृद्धि, ग्राहकों की संख्या क्या होना, बढ़ जाना, भविष्य में किसी वस्तु के दाम बढ़ने की संभावना और भविष्य में उपभोक्ता बढ़ने की संभावना। गलत की सही? आज शहर में जमीन का दाम आसमान छूते जा रहा है, पीछे कारण है कि भविष्य में दाम घटते ही ना, बढ़े कर दे, क्या जनसंख्या बढ़ल जा रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो ग्राहक बढ़े करेगा। लास्ट टॉपिक है तो मांग में कमी के कारण, हमने कहा मांग में वृद्धि के कारण, एक और आता है मांग में किसी वस्तु के मांग में कमी के क्या कारण है, तो पहला कारण उपभोक्ता की आय कम हो जाना। मांग तब कम होता है जब आपकी आमदनी क्या होती है, आपकी आमदनी कम होगी तभी आय मांग कम करोगे, आमदनी ज्यादा रहे तो मांग तो बेसी करोगे करेंगे, आमदनी कम हो जाना। दूसरा, प्रतिस्थापन वस्तु का दाम गिर जाना, प्रतिस्थापन वस्तु का भाव कीमत गिर जाना मतलब कम हो जाना। तीसरा, पूरक वस्तु की कीमत क्या हो जाना, पूरक वस्तु का कीमत क्या हो जाना, बढ़ जाना, तभी आप क्या करोगे मांग में कमी कर दोगे। उसके बाद जो हमारे फैशन का चीज नहीं है, जो हमारे आदत का चीज या जिसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, दाम बढ़ेगा फिर नौकर देंगे। गलत की सही? तीसरा, खरीदारों की संख्या घट जाना, अचानक अचानक एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल है जैसे मान लो यहाँ पर लोग ज्यादा है, छठ का ये इंटर का परीक्षा होता है, मैट्रिक का परीक्षा होता है, शहर में सब्जी का दाम बढ़ जाता है, हम लोग जान लेते हैं विद्यार्थी सीतामढ़ी में 10,000-20,000 आ गए हैं, लेकिन बिक्री बढ़ गया है इसलिए महंगा है, 10 दिन के बाद फिर औकात में चली आएगा। अचानक किसी सामान का मूल्य बढ़ता है तो हम लोग समझ जाते हैं शहर में दाम काहे बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ गया है, तो जनसंख्या घट जाने के कारण भी वस्तु का कीमत क्या होता है, अब भविष्य में वस्तु का कीमत घटने वाला है, फिर इस वस्तु का मांग क्या करते हैं, जैसे नया आलू आ जाएगा मार्केट में, हम खरीदेंगे लेकिन कभी भी एक बोरा खरीदते हुए किसी आदमी को नहीं देखते हुएगा, क्योंकि आज अगर 100 रुपये पसेरी है तो 5 दिन के बाद 90 रुपये, फिर 5 दिन के बाद 80 रुपये पसेरी, आज अब हमारा खेत में के खाना आने लगेगा तो 40 रुपये पसेरी हो जाएगा। तो जब कोई चीज नया आता है तो हम बेसी खरीदते हैं क्या, नहीं खरीदते, और विद्यार्थी तो अपना घर से लेकर चलाता है, तो अगर दुकानदार बुझता है तो भविष्य में दाम घटने वाला है तो हम वस्तु का मांग क्या करते हैं, कम करते हैं, और उपभोक्ता की आय भविष्य में घटने वाली है तो वहां भी वह वस्तु का डिमांड क्या करता है। तो ये रहा मांग और मांग के नियम।